पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भारत से मदद लेने का आरोप लगा है। यह आरोप पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लगाए हैं। गौरतलब है कि अब तक इमरान खान नवाज शरीफ पर भारत से मिली भगत का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब मरियम ने बाकायदा नाम लेते हुए इमरान खान को कटघरे में खड़ा किया है। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरियम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इमरान खान को भारत और इजराइल से फंड मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इंदर दोसांझ और इजरायली नागरिक बैरी सी श्रेप्स पीटीआई को पैसे देते हैं। मरियम ने यह भी दावा किया कि दोनों देशों से अनगिनत लोग और कंपनियां पीटीआई को फंड देती हैं। हालांकि पाकिस्तान की सियासत में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कैटलिसिस भी है। बिना भारत के पाकिस्तानी सियासत की दाल गलती भी नहीं है। जिस तरह से भारत में पाकिस्तान एक बड़ा सियासी मुद्दा है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में भारत एक बहुत बड़ा हवा है। इससे पहले नवाज शरीफ पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत के अखबारों में नवाज शरीफ को लोकतांत्रिक बताया जाता है, जबकि पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष को आतंकवादी की तरह पेश किया जाता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में इमरान की हुकूमत डावाडोल है। नवाज की बेटी मरियम के अलावा मरहूम बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो भी इमरान सरकार पर लगातार चोट कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों खेमों के लिए भारत एक दिलचस्प फैक्टर है, लिहाजा दोनों तरफ से इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।